महाराष्ट्र में करीब 15 मंत्री और 70 विधायकों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से पिछले हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल की बैठक रद्द होने के बाद आज 12 जनवरी को उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए भावी योजनाओं पर चर्चा हुई। कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र कैबिनेट ने स्कूल बसेस को सालाना वाहन टैक्स में 100% छूट देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में राज्य में सभी दुकानों, दफ्तरों आदि में मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं महिला और बाल सशक्तिकरण के लिए जारी योजनाओं को भी जिला योजना विकास आयोग से 468 करोड़ का फंड जारी करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनका कोविड टेस्ट महाराष्ट्र में अब नहीं किया जाएगा, लेकिन मुंबई में ऐसे मरीजों पर बीएमसी जरूर नजर रखेगी। इस फैसले को लेकर बीएमसी ने अब सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट का बकायदा रिकॉर्ड रखने के भी आदेश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे ऊपर है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 44,388 केस सामने आए हैं। हालांकि पिछले दो दिनों से राज्य में संक्रमण की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। इससे पहले महाराष्ट्र का आंकड़ा लगातार 40,000 को पार कर रहा था। मुंबई में मंगलवार को 11,447 नए केस सामने आए, जबकि इससे पहले महानगरी मुंबई में लगातार 20,000 से ज्यादा केस मिल रहे थे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शहर में कोरोना को लेकर बीएमसी पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन को लेकर भी पेडनेकर ने कहा कि शहर में बूस्टर डोज के अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन भी गति पकड़ चुका है। वहीं बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के मुताबिक मुंबई के केसेस और पॉजिटिविटी रेट में पिछले कुछ दिनों में कमी आई है। चहल ने मुंबईकरों से फेस मास्क हमेशा पहने रखने की अपील की और कोरोना से किसी भी तरह से डरने से इनकार किया। वहीं राज्य टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टर शशांक जोशी के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के आंकड़े भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यह पिछले कुछ दिनों के डेटा से साफ जाहिर हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।